25 जुलाई 2001 में दस्यु सुंदरी फूलन देवी की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को एक राजपूत युवक शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह ने अंजाम दिया था। फूलन देवी के किस्से जितने रोमांच से भरे हैं, उतने ही दिलचस्प किस्से हत्यारे शेर सिंह के भी हैं। बताते हैं कि फूलन देवी की हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। हत्या के बाद उसने कहा था कि उसने बेहमई में 22 राजपूतों की हत्याओं का बदला लिया है। बेहमई कानपुर देहात से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक राजपूत बहुल गांव है। यहां डकैत फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया था। ये घटना 14 फरवरी 1981 की है। उसी कहर का बदला लेने के लिए राणा ने फूलन देवी की हत्या की थी। दरअसल फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद ही आरोपी शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद शेर सिंह राणा ने बड़े गर्व के साथ फूलन देवी की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकारी थी। उसके बाद शेर सिंह राणा लगभग 3 साल तक जेल में रहा और 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल से फिल्मी अंदाज में भाग खड़ा हुआ। इसके 2 साल बाद 17 मई 2006 को शेर सिंह राणा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। राणा को कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से अरेस्ट किया गया था। तब राणा ने अपनी फरारी के दिनों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया था। राणा ने दावा किया है कि वो बचपन से ही अफगानिस्तान के गजनी इलाके में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रखी अस्थियों के अपमान की जानकारी मिलने को लेकर दुखी था। यही वजह है कि राणा ने पृथ्वीराज चौहान की रखी अस्थियों को वापस लाने की ठानी और तिहाड़ जेल से फरारी के बाद झारखंड के रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया। फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद नेपाल, बांग्लादेश और दुबई होते हुए वो अफगानिस्तान पहुंचा, जहां से साल 2005 में अस्थियां लेकर वो भारत आया। बताया जाता है कि राणा ने इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी बनाया था। Thank you.